चीप इन द सेंस क्वालिटी वाइज भी चलेगा पर उनको प्रोडक्ट चाहिए, और दूसरी के प्राइस में भी थोड़ा बहुत चीप हो तो वैसे। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। यहाँ पे कोई एडिशनल फीचर मिलेगा नहीं, जो नॉर्मल सा एक प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बेचा जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नाम में है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस की जाती है, उसकी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस की जाती है। जब क्वालिटी पे फोकस होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होगी। लास्ट कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था उसमें प्राइस था लो, इसमें है प्राइस हाई। अब आईफोन जो है अपने ये कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि उन लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है। तो ये दूसरा जो है दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये सेल्स के बेस पे है पूरा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको सेलिंग से ही मतलब है। या तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैंपेन निकालते हैं, रिगरसली किसी के पीछे पड़ जाएंगे कि आपको लेना ही है, होर्डिंग्स ले लेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे कंज्यूमर्स की डिससेटिस्फेक्शन को माना नहीं जाता, उनको खाली पैसों से ही मतलब है, पैसे मिल जाने चाहिए। तो दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो अपने सब्जेक्ट है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वो यूजर्स के प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, कस्टम्स या तो उनके टेस्टेस के हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले क्या था कि उन लोगों ने पता चल गया था कि हाँ मैगी जो है लोग बच्चे तो उसको पसंद कर रहे हैं पर पेरेंट्स उसको नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उसमें महंगा आ रहा है। तो इन लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि क्यों ना हम आटा नूडल्स मिला लें, क्यों हम वेजिटेबल्स डाल के ना लें, ठीक है? तो ये हुआ, लोगों को देख के उन लोगों ने प्रोडक्ट में चेंज लाना स्टार्ट किया। यहाँ पे सबसे ज्यादा जितनी भी मार्केटिंग में फॉर्म्स है वो सबसे ज्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट ही प्रेफर करती है। फिफ्थ दैट इज सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट जो है नाम में पता चल रहा है, ये सोसाइटी के आजू बाजू रहता है, और ये कॉन्सेप्ट ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, जो कस्टमर को चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए, उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट देखते हैं। हार्मफुल है या नहीं वो तो कुछ देखते ही है। तो ये जनरली क्या करते हैं, काफी इंडस्ट्रीज जो है, काफी कंपनीज जो है, वो क्या करती है कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना हो उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये लोग क्या करने लगे हैं, प्लास्टिक का यूजेज कम करने लगे हैं, पेपर का यूजेज ज्यादा करने लगे हैं। तो एक टाइप से वो लोग